मॉर्निंग। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें हम आपको बताए थे जब ब्याज की गणना वार्षिक की जाए इसके लिए क्या फंडा होता है, और ब्याज की गणना छमाही की जाए इसके लिए क्या फंडा होता है, और ब्याज की गणना तिमाही की जाए इसके लिए क्या फंडा होता है। ठीक है, तो इन चारों बिंदुओं पर, इन चार बिंदुओं का हम चर्चा कर चुके हैं हमने पहले से। आज हम समझेंगे कि जब प्रश्न में जनसंख्या को आधार बनाकर एन वर्ष बाद या एन वर्ष पहले जनसंख्या पूछा जाए तो इसके लिए निम्नलिखित दो शर्तें हैं। तो कौन कौन सी शर्तें हैं अभी हम बताएंगे। इससे पहले हम आप लोग बता दें कि बताए थे में कि जब ब्याज की गणना बाधित की जाती है तो उसके लिए क्या फंडा होता है, पी इंटू पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड पावर एन माइनस वन। ठीक है, जैसे बताए थे ध्यान दीजिए, पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका वार्षिक के लिए है। और बताइए जब ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो उस स्थिति में सबसे पहले दर और समय को चेंज करते हैं, अर्थात दर में दो से भाग और समय में दो से गुणा किया जाता है। ठीक है, छमाही के लिए। और यही बात पहली बात पर जैसे पूछा जाए कि माही, तो उसके लिए दर में चार से भाग और समय में चार से गुणा किया जाता है। ठीक है, ये जमा लीजिए आपने आपको दिया है, नंबर एक दिया है 10% सॉरी 8% और आपने टाइम दिया है टेन दिया आपका एक वर्ष और ये क्या है आपका ब्याज गणना छमाही हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है छमाही। क्या करेंगे, दस भाग देंगे दो से और जो समय है इसको गुणा करेंगे दो से, यानी बड़े पढ़ते आप चार पुस्तक हो गया। ठीक है, और जो ये करीब दो होगा दो का क्या है दो का वर्ष में देखी गई वर्ष में दो का छमाही होगा, क्या होगा आपका दो छमाही और समान। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे यहाँ पे जो समान आएगा उसको हम वर्ष में कराएंगे उसको कराएंगे छमाही। ठीक है, अर्थात क्या होगा इसका कितना का क्या कितना इसका टाइमिंग दो छमाही। ठीक है, हम बात क्या करें क्वेश्चन के तरफ। आज का पॉइंट है जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। ये बात लिखा गया कि पहला शर्त होगा इसका, पहला शर्त होगा एक नंबर जब प्रश्न में जब प्रश्न में वर्तमान जनसंख्या देकर जब प्रश्न में वर्तमान जनसंख्या प्रश्न वर्तमान जनसंख्या का आंकड़ा देकर का आंकड़ा देकर वर्तमान जनसंख्या का आंकड़ा देकर एन वर्षों बाद जनसंख्या पूछा जाए, एन वर्षों बाद जनसंख्या पूछा जाए
छह चार, इसलिए हम लोग क्या होता है के बराबर में संख्या में वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड का पावर एन, क्या होगा जी? इसका पावर आपका एन होगा, ठीक है? एन आपका क्या है जी? एन आपका टाइमिंग है, आर आपका रेट है, दर है, और ये बच्चा है वर्तमान जनसंख्या, क्लियर है? इसके बाद हम निकाल सकते हैं वर्तमान जनसंख्या, ठीक है? क्या जी? हम निकालेंगे एन वर्षों बाद, ठीक है? क्या करेंगे? एन वर्षों बाद जनसंख्या निकालेंगे। तो एन वर्षों के बाद जनसंख्या का होता है वर्तमान जनसंख्या इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड का पावर एन, जहाँ एन क्या है? समय है, आर क्या है? दर है, और ये क्या वर्तमान जनसंख्या दिया हो समान हम यहाँ हल करेंगे, क्लियर है? चलिए अब देखेंगे क्या हो गया, पहला शब्द हो गया, अब देखेंगे दूसरा शब्द क्या है जी। दूसरा शब्द में जब प्रश्न में बाद की जनसंख्या यानी एन वर्षों बाद की जनसंख्या, यहां लिखेंगे जब प्रश्न में एन वर्षों बाद की जनसंख्या एक वर्ष को बाद की जनसंख्या दी गई हो और वर्तमान जनसंख्या पूछा जा इसीलिए कमरा क्या होता है एन वर्ष बाद की जनसंख्या इसका लिखेंगे बट्टा में बट्टा वन प्लस आर बाई हंड्रेड का पावर एन, ठीक है? यानी जितना भी दिया हो जनसंख्या उसको लिखेंगे अंश में, ठीक है? और हम क्या लिखेंगे? वन प्लस आर बाई हंड्रेड का पावर एन, अर्थात वन प्लस दर घटे से पावर समय, ठीक है? ये आपका गुण सूत्र रहा। जब प्रश्न में आपको ठीक है वर्तमान देगा तो बाद का पूछेगा, और बाद का देगा तो वर्तमान का पूछेगा, ठीक है? इसी प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इसके आगे प्रश्न बनता है, तो क्वेश्चन बनता है इसके लिए प्रोग्राम सब्जेक्ट को दिखा चुके हैं। अब अगले वीडियो हम क्वेश्चन लगाएंगे, आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, कब जब इसे हम लोग याद रखते हैं। इसके बताया गया पिछले वीडियो में इसके नियम फॉर्मूले और इसके शर्त, ठीक है? इन सभी आप लोगों को याद रखना है, तभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने में सहूलियत होगी, ठीक है? और क्वेश्चन समझ में जाएगा। तो सभी बताया सभी बातें बताया गया है, कंसेप्ट की बातें हैं, ठीक है? ये आप लोगों को याद रखना है। इससे तो आज का
पॉइंट रहा, ठीक है, जनसंख्या प्रभावित आगरा अवस्था कैसे चुनता होता है, बाल जनसंख्या और पौधा जनसंख्या, उससे आप नोट कीजिए, ठीक है। हम अगले वीडियो बताएंगे क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को स्वतः समझ आएगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग बता दें कि पगला लोग याद रखेंगे कि कॉल के लिए क्या होता है, ठीक है, और बात के लिए क्या होता है, बस दो याद रखना है, कॉल के लिए और इस बात के लिए। और जो बताया जाए पिछले वीडियो में बताया समान कुमार के लिए, वो तो आपको आप लोग को ऑलरेडी याद रखना है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, क्या मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।